बचाओ, देश बचाओ। बाबा साहब अंबेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अंबेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुंबई के दादर स्टेशन के बाहर मुंबई कांग्रेस SC ST विभाग की तरफ से संविधान बचाओ मोर्चे का आयोजन किया गया, जहां नरेंद्र मोदी और BJP सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वादियों की तरफ से संविधान जलाए जाने को लेकर BJP सरकार को घेरा गया और सभी आरोपियों पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किए जाने की मांग भी की गई। इस मोर्चे में सभी को पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़ ने संविधान की शपथ भी दिलाई। इस मौके पर कांग्रेस के SC ST सेल के मुंबई अध्यक्ष कचरू यादव, जिला अध्यक्ष हुकुम राज मेहता, दीपक वाघ, राजू वाघमारे और कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बुलंद आवाज में BJP को ललकारा और चेतावनी दी। देश की अस्मिता होती है और उसी अस्मिता के तहत देश का संविधान, देश का झंडा, देश का मुद्रा और देश का राष्ट्रगीत अस्मिता के चार पहलू है और उसमें देश का संविधान जिसके ऊपर देश चलता है, ये देश में जो डेमोक्रेसी आया है, लोकशाही है, वो भारतीय संविधान की वजह से आई और भारतीय संविधान की वजह से हर दिन भारत का जो कारोबार हो रहा है वो भारत के संविधान के तहत हो रहा है। तो मेरा कहना ये है कि कोई चंद लोग जो लोग वहाँ जंतर मंतर रोड के दिल्ली में, जहाँ दिल्ली देश की राजधानी है, जहाँ कारोबार चलता है, दिल्ली में संविधान जलाते हैं, संविधान के खिलाफ घोषणा करते हैं, SC ST के खिलाफ घोषणा करते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुर्दाबाद बोलते हैं, उनको तुरंत अरेस्ट होना चाहिए और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। और उसके साथ ही उन्होंने जो SC ST का मुर्दाबाद किया, बाबा साहब का मुर्दाबाद किया, इसलिए उसके तहत एट्रोसिटी एक्ट उसको लगाना चाहिए। संविधान के तहत जो है देशद्रोही के खिलाफ अरेस्ट होना चाहिए। और देश के प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलते नहीं, जिस संविधान के वजह से आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, जिस संविधान के वजह से आप प्रधानमंत्री बन गए, सब दुनिया के छोटे छोटे बातें के ऊपर बोलता है, जो मुख्य बातें हैं उसके ऊपर बोलता नहीं। संविधान के इतना जलाने के बाद कुछ बात नहीं हुई। दिल्ली में जो 9 तारीख को कुछ मनु जंतर मंतर में कुछ मनुवादियों ने देश के संविधान, सर्वोच्च संविधान जलाने का काम और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके खिलाफ नारेबाजी करने का काम कुछ मनुवादियों ने किया, जो RSS विचारों से चल रही है वो मनुवादियों ने किया, उसको देखने का काम वहाँ के पुलिस प्रशासन, वहाँ की जो सरकार है जो RSS के विचारों पर चल रही है, ऐसी सरकार वहाँ पर देखते रही लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। उसके खिलाफ आज उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट, राष्ट्रद्रोह का गुनाह और IT एक्ट के अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई होकर ताबड़तोड़ उन्हें अटक करने के लिए हम लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं और उनका निषेध यहाँ पर कर रहे हैं। अगर कुछ ही दिनों में अगर ये अटक और उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का गुनाह नहीं लगा तो आखा मुंबई भर हम लोग रास्ते पे उतरेंगे और इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे। कल ही हमारे पूरे 35 से 40 तालुका अध्यक्ष ने मुंबई के हर इलाके के पुलिस स्टेशन में हमारा निवेदन गया है और निवेदन दिया है कि इनके ऊपर कड़क शासन हो, कड़क कार्रवाई हो और IT एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट और देशद्रोह का गुनाह दाखिल हो की मांग हमने की है। अगर नहीं करेंगे, हम लोग आयुक्त तो सभी मिलने जा रहे, अगर ये काम वो लोग ने नहीं किया तो हम लोग का, हमारा कार्यकर्ता अनुसूचित जाति युवा का हर एक कार्यकर्ता रास्ते पर उतर कर आंदोलन करने के लिए पीछे हटेगा नहीं। दिल्ली में जो संविधान जलाने का एक घिनौना कृत्य कोई मनुवादी लोगों ने देश के लोकसभा पार्लियामेंट के बाजू में किया, इस देश का सर्वोच्च ग्रंथ है जो संविधान कहलाता है, इस देश को चलाने का काम संविधान करता है, हर कोई समाज के वर्ग को हक दिलाने का काम संविधान करता है। प्रधानमंत्री एक तरफ बात करते हैं कि संविधान उनके लिए सबसे ऊंचा ग्रंथ है और दूसरी जगह वही उनके मनुवादी लोग हैं, RSS के जो लोग हैं वो संविधान जलाने का काम करते हैं और प्रधानमंत्री एक शब्द भी नहीं बोलते, इसका कांग्रेस पार्टी धिक्कार करती है, निषेध करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
माननीय राहुल जी गांधी जी ने भी जंतर मंतर में जाके इस घटना का निषेध किया और उनके आदेश के अनुसार और हमारे अनुसूचित जाति के अध्यक्ष नितिन राउत जी और हमारे तमाम नेता के आदेश के अनुसार पूरे भारत भर इस संविधान जलाने का जो काम ये बीजेपी और उनकी संगठन ने जो किया है उसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। जैसे बंबई में हुआ वैसे पूरे महाराष्ट्र में भी निवेदन दे दिया गया है और ये काम निषेध का काम जो कांग्रेस पार्टी कर रही है ये खाली कांग्रेस पार्टी का काम नहीं है, ये देश के हर एक नागरिक का काम है। क्योंकि जो घटना है जो संविधान है वो हर नागरिक को आपको हमको सभी को अपना हक दिलाता है। तो आज हम लोगों का जो भारत का संविधान है जो रीढ़ की हड्डी है आज उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का जो काम ये मनु वाधवानों ने जो किया ये जो देशद्रोहियों ने किया, एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि संविधान बचाओ और दूसरी तरफ मनु वाधवानों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कल उन्होंने जो दिल्ली में जंतर मंतर में जो संविधान जलाने का इतना घृणनीय हरकत की, इतनी क्रूर हरकत की, इसके खिलाफ हम लोग पूरे भारत देश में मोर्चा लेंगे और चक्का जाम करेंगे और जब तक उन देशद्रोहियों को सजा नहीं देंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर।